नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन एंड बिफोर स्टार्टिंग रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज जो वीडियो है वो बेस्ड है एक ड्रग जिसका नाम है क्लोरोक्विन। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब मलेरिया में काम आने वाली दवा है। वीडियो इंपॉर्टेंट है आज का, वो सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसिस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स, जीपैट, नाइपर, बिटसेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिर्फ फार्मेसी के लिए नहीं, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री और मेडिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो विद्यार्थी डिप्लोमा और डिग्री में हैं और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को तैयार कर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है और आप लंबे आंसर भी दे सकते हैं। क्लोरोक्विन, इस वीडियो को समझने के लिए अपने को दिमाग में एक छोटी सी स्टोरी रखनी है। छोटी सी स्टोरी, हल्का सा स्पेकुलेशन आपको इमेजिन करना है कि हम बात कर रहे हैं क्वीन की। क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी। और वो रानी कहां की है पहले हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस ड्रग का, फिर हम देखेंगे इस रानी के एक्शंस क्या है, मतलब इस ड्रग के एक्शंस क्या है, इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इस ड्रग के यूजेस क्या है और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। इसके अलावा और कौन सी ड्रग्स हैं जिनका सिमिलर मैकेनिज्म है क्लोरोक्विन का। तो यह है आज का अपना पार्ट। हर पार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है, सेपरेटली पूछा गया है और इंडिविजुअली पूछा गया है। हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे? लेट अस स्टार्ट। ड्रग का नाम क्या है? क्लोरोक्वीन। अब ये क्लोरोक्वीन क्वीन है, रानी है, कहां की? ये है बारबाडोस की। बारबाडोस की स्पेलिंग देखेंगे तो क्या होगा, BARBADOS, शुरू में बी है, एंड में एस है, तो यही तो लिखा है बी और एस। बी का मतलब होता है ब्लड और एस का मतलब होता है साइज ऑर्टिसाइड, ठीक है। तो ब्लड साइज ऑर्टिसाइड क्लोरोक्वीन है ये पहला। तो कौन सी ड्रग चार में से ब्लड साइज ऑर्टिसाइड है? तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक तो क्लोरोक्वीन, आपको देना है आंसर। इसके अलावा जो एस है ना, एस से सेफ भी होता है। अब सेफ किसकी बात हो रही है? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर कोई आपको एंटी मलेरियल ड्रग देनी है या प्रिस्क्राइब करनी है तो वो कौन सी है? क्लोरोक्वीन। सो वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी एज एंटी मलेरियल ड्रग, वो कौन सी है? क्लोरोक्वीन। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि क्लोरोक्वीन कैसे काम करती है। तो ये मैकेनिज्म समझने से पहले आपको मैं बताऊं कि जो क्लोरोक्वीन है ये अल्टीमेटली काम कैसे करती है, कि जो प्लाज्मोडियम है, अब प्लाज्मोडियम क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर एक जगह होती है, इसे बोलते हैं एसिडिक वैक्यूल। जगह का मतलब उसका एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये है क्या, एसिडिक वैक्यूल किसका? प्लाज्मोडियम के एसिडिक वैक्यूल की बात हो रही है। इस प्लाज्मोडियम के एसिडिक वैक्यूल के अंदर क्या होता है? वो जो ऑर्गेनिज्म है आपका प्लाज्मोडियम, उसका खाना पीना चलता है। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूट्रिशन क्या, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो सारी चीज है इस एसिडिक वैक्यूल में। तो ऐसा अंदर क्या चलता है? ऐसा अंदर ये चलता है कि जो हीमोग्लोबिन है, किसका? होस्ट का हीमोग्लोबिन। प्लाज्मोडियम जिस होस्ट के अंदर, जिस इंसान के अंदर प्रेजेंट है ना, उसके हीमोग्लोबिन पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। और उसका हीमोग्लोबिन लेकर जो खुद का एसिडिक वैक्यूल है ना, उसके अंदर उसका खाना पीना चलता है। तो ऐसा क्या होता है हीमोग्लोबिन के अंदर? तो वही हम देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या है? एसिडिक वैक्यूल ऑफ प्लाज्मोडियम। उसने क्या किया? हीमोग्लोबिन ले लिया, तो यस हीमोग्लोबिन अंदर आ गया। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, दो चीजों में तोड़ा जाता है। किसमें? एक तो हीम में और एक एमिनो एसिड में। जब ये एमिनो एसिड बन गया ना, ठीक है, और ये एमिनो एसिड यूटिलाइज कर लिया, मतलब उसको न्यूट्रिशन मिलता है, किसको? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या है भैया? जिससे मलेरिया हो रहा है उसकी बात हो रही है। लेकिन साथ में क्या बना? हीम, तो हीम आ गया। तो क्या होता है, उस प्लाज्मोडियम के अंदर इस हीम को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ये देखो ये ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने से क्या बन गया? एक नई चीज जिसको बोलते हैं हीमोजॉइन। तो हीम को ज्वाइन कर लिया तो क्या बना? हीमोजॉइन, सीधी सी बात है। तो ज्वाइन क्यों किया? ज्वाइन इसलिए किया, जो हीम है ना ये तो एक तरह का पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है? ये तो कलर है,
या फिर एक तरह की डाई है, और जो कलर और डाई होती है ना वो बहुत टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन सेल्स के लिए, सबके लिए टॉक्सिक होते हैं। तो क्लोरोक्विन यही करती है कि इसको ज्वाइन नहीं होने देती। एक लाइन में कह सकता हूं, द क्लोरोक्विन इनहिबिट्स द ज्वाइनिंग ऑफ हीम, मतलब इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ हीमोजोन। तो यही तो है क्लोरोक्विन, सी क्यू ड्रग है क्लोरोक्विन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये नेगेटिव का मतलब इस स्टेप को रोक रही है, तो इस स्टेप को रोक देगी तो क्या होगा, हीम से हीमोजोन नहीं बनेगा, और हीम क्या है, टॉक्सिक है, तो क्या हो जाएगा, ये जमा हो गया, तो देखो जमा हो गया, एक्यूमुलेशन इज देयर। इस एक्यूमुलेशन की वजह से पैरासाइट भी खत्म हो गया और आरबीसी भी खत्म हो गया, मतलब ड्यू टू एक्यूमुलेशन देयर इज लाइसिस ऑफ आरबीसी एंड पैरासाइट। तो वो क्यों हो गया लाइसिस, वो कैसे खत्म हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड इंक्रीजिंग पीएच इन द एसिडिक वैक्यूल, अंदर पीएच बढ़ जाता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी। तो रिएक्शन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्लोरोक्विन इनहिबिट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ हीम इनटू हीमोजोइन, ड्यू टू व्हिच देयर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीम व्हिच कॉजेस लाइसिस ऑफ द पैरासाइट। और कौन सी ड्रग्स हैं जो ऐसा मैकेनिज्म शो करती हैं इस तरह का, तो आपको याद करने के लिए एक सेंटेंस याद करना है कि वो सारी कमाल की ड्रग्स हैं, क्योंकि क्लोरोक्विन भी कमाल की ड्रग है, तो बाकी भी कमाल की ड्रग हैं, और वो क्या करना पड़ता है, एक पिल की फॉर्म में लेना पड़ता है, गोली की फॉर्म में लेना पड़ता है। तो यस, कमाल की ड्रग्स जो पिल के फॉर्म में लेते हैं उनका ऐसा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ड्रग्स विद सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू क्लोरोक्विन इज कमाल, जो पिल की फॉर्म में लेते हैं। तो क से क्विनिन, एम से मेफ्लोक्विन, एल से ल्यूमिफेंड्रिन और पी से पायरोनेरिडिन। चलिए, तो ये है मैकेनिज्म, अब बात करते हैं एक्शंस की। भैया तो रानी है, इसका नाम ही क्लोरोक्विन है, और क्वीन क्या बोलती है कि आई एम एवरीथिंग, आई एम मतलब आई ए एम, तो ये तो लिखा है आई ए एम, तो यही तो उसके एक्शन है। तो देखो, आई से एक शब्द बनता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ए से एक शब्द बनता है एमीबाइसिस, और एम से एक चीज बनती है मलेरिया। तो ये तीन, अगर आपको शब्द याद हैं तो आप तीन एक्शन याद कर सकते हो। आई से इंफ्लामेशन, मतलब इट इज यूज्ड एज एंटी इंफ्लामेटरी। ए से एमीबाइसिस, इट इज आल्सो हैविंग एंटी एमीबिक एक्शन। एम से मतलब इट इज हैविंग एंटी मलेरियल एक्शन। और भी एक्शन होते हैं लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। अब और कौन से एक्शन है देखते हैं। द एक्शंस ऑफ क्लोरोक्विन आर एंटी मलेरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, लोकल इरिटेंट, वीक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, एंटी एमीबिक एंड एंटी एरिथमिक। लेकिन जो जिनका प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की और जो आपको आंसर को लिखना ही है वो कौन से हैं, आई एम, मैं हूं जो कुछ हूं, क्योंकि वो क्वीन है। तो ये बात है एक्शंस की। अब बात करते हैं एडीएमई की, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स। ये क्वीन है, ये मैकेनिज्म है, ये इसके एक्शन है, लेकिन एडीएम की आपको याद रखना है कि वो किसी को लाइक करती है। तो ये रानी क्या कर रही है, ये लाइक कर रही है, और जिसको लाइक कर रही है उसका नाम है रमन। तो देखो आर ए एम ए एन, रमन। अब लाइक का मतलब क्या होता है, एफिनिटी करना, मतलब लगाव। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो लिख दिए ना रमन, र से आर, म से एम, न से एन। तो आर से रेटिना, एम से मेलानिन, एन से न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि द क्लोरोक्विन हैज लाइकिंग या फिर एफिनिटी फॉर रेटिना, फॉर मेलानिन एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन। रेटिना पर इतना ज्यादा लाइक है, इतनी एफिनिटी है कि अगर इसको लंबे समय तक यूज किया गया तो ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, मतलब आंखों की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इट मींस वी कैन से If it is used for long term, there is chances of development of ocular toxicity. इसके अलावा क्या है? अब चूंकि इसकी आदत ही है, रेटिना में लेके जमा होती है, तो क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए कैंसर
डायग्नोज के लिए, और इसका आंसर आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलेगा प्रोटीन बाइंडिंग की सिग्निफिकेंस में। अभी आपको इतना याद रखना है कि इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ आई मेलानोमास। मेलानिन की एफिनिटी है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन की एफिनिटी है, ये आपको एज सच याद करना है। अब बात आती है किसकी एडवर्स इफेक्ट, यूजेस बाद में देखेंगे। इस रानी का एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इसको एलपीजी की स्मेल अच्छी नहीं लगती। एलपीजी समझते हो ना आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, हमने लिख दिया ना एलपीजी। अभी एल क्या है, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ विजन। तो ये ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी थी, इससे क्या हुआ था, लॉस ऑफ विजन ही तो हुआ था। तो एल से दो चीजें आपको याद रखनी है, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ हियरिंग। पी से है फोटो एलर्जी, मतलब ये क्लोरोक्विन की खासियत क्या है, क्योंकि इसकी एफिनिटी होती है स्किन के सेल्स के लिए भी, स्किन में जाके जमा हो जाती है, तो जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो एलर्जी डेवलप हो जाएगी, उसको बोलते हैं फोटो एलर्जी। और जी से क्या बना, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जो बाल है ना वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो ये क्या है आपका एडवर्स इफेक्ट। फिर अगली कहानी आती है जिस पर कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन। तो मलेरिया तो आपको पता ही है ना कि मलेरिया में यूज होती है, तो अल्टीमेटली क्या करती है, ये मलेरिया को डुबो देती है, मतलब डिप, डिबो क्या बोलते हैं, डिप करना। तो यही इसका आपका जो निमोनिक है, ये ट्रिक आपको याद करनी है। कैसे, एम ए एल ए आर आई ए मलेरिया की स्पेलिंग को क्या करती है, स्पेलिंग तो योग मलेरिया की, और क्या करती है, डिप करती है, मलेरिया को डुबो देती है और इंसान ठीक हो जाता है। तो देखो, एम से मलेरिया, एल से लेप्रा रिएक्शंस, आर से रूमेटोइड आर्थराइटिस और ए से एमीबाइसिस। तो ये एक्स्ट्रा एक्शन ही तो हुआ ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटरस्टाइनल एमीबाइसिस यूज। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबाइसिस, और वो आंसर क्या है, क्लोरोक्वीन। ये तो हो गया मलेरिया से चार चीजें, ये जो ब्लैक दिखे हुए हैं ना, एम एल आर ए। फिर आता है वो डिप कर रहा है, तो डी से डीएलई, आई से आ रहा है इंफेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और पी से आ रहा है आपका फोटोजेनिक रिएक्शंस। अब ये डीएलई क्या है भैया, ये जो डीएलई है इसका मतलब होता है डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, ये एक तरह का स्किन प्रॉब्लम है। तो ये आपके क्या है, यूजेस पर, यहीं पर स्टोरी खत्म होती है किसकी, क्लोरोक्विन की। तो एक बार बहुत शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर रहा हूं मैं, आज हमने देखा क्लोरोक्विन, और क्लोरोक्विन क्या है, ब्लड साइजेंटिसाइड है, ये सेफ है प्रेगनेंसी में, ठीक है, ब्लड साइजेंटिसाइड कैसे, वो बार बार डोज की रहने वाली है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक और प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में काम नहीं करती है ये ड्रग, अब वो क्या है दूसरे वीडियोस में देखेंगे। हमने देखा मैकेनिज्म, तो एक लाइन में हीम से हीमोजोइन नहीं बनेगा, हीम इकट्ठा हो जाएगा, माइक्रो खत्म हो जाएगा। एक्शन की बात करें तो मेनली आईएम एक्शन होते हैं, इंफ्लामेशन, एमीबाइसिस और मलेरिया। एफिनिटी की बात करें या एडीएम की बात करें, तो इसकी एफिनिटी होती है रमन नाम के व्यक्ति के लिए, आर फॉर रेटिना, एम फॉर मेलानिन, एन फॉर न्यूक्लियर। और इसकी वजह से क्या है, एडवर्स इफेक्ट, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, मतलब परमानेंट आईज डैमेज भी हो सकता है, लेकिन फायदेमंद भी है जब अपने को जांचना हो कि किसी को कैंसर तो नहीं है आपके अंदर। फिर हम देखें एडवर्स इफेक्ट क्या है, एलपीजी, मतलब उसको एलपीजी पसंद नहीं है, एल फॉर लॉस ऑफ विजन, हियरिंग, फोटो एलर्जी और हेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने देखा, यूज, यूज में हमने देखा कि मलेरिया को डिप कर देती है, तो शुरू के जो वर्ड्स है उसमें हमने दे दिए। और भी ड्रग्स होती हैं जिनका क्लोरोक्विन जैसा एक्शन होती है, वो तो कमाल की ड्रग होती है जिनको पिल फॉर्म में लिया जाता है। तो ये है आपके सामने क्लोरोक्विन, बहुत जल्दी कंप्लीट। बी इन टच, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ।